हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन के बारे में, जिसे हम अलार्म भी कहते हैं। इसमें हम जानेंगे कि इमरजेंसी सायरन यानी कि क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इमरजेंसी सायरन कोड यानी कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इमरजेंसी सायरन कोड जो है वो एज पर फैक्ट्री एक्ट क्या होता है और एज पर OISD क्या होता है, और फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि फैक्ट्री में कौन से टाइप के जो सायरन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इमरजेंसी सायरन यानी कि होता क्या है। तो सायरन यानी कि एक ऐसा डिवाइस होता है कि जिसकी मदद से एक लाउड नॉइज जो है वो तैयार होता है, यानी कि एक बड़ी सी जो आवाज़ है वो इस डिवाइस से जो है वो निकलती है। सिविल डिफेंस जो सायरन है उसको एक फिक्स लोकेशन पर माउंट किया जाता है, जिसका इस्तेमाल अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या फिर कोई अटैक होता है तो उसको वार्न करने के लिए किया जाता है। सायरन का जो इस्तेमाल है वो इमरजेंसी जो सर्विस व्हीकल होती है उसमें भी किया जाता है, जैसे कि एम्बुलेंस हो, पुलिस कार हो या फिर फायर ट्रक हो। चलिए अब जानते हैं कि इमरजेंसी सायरन कोड यानी कि क्या होता है। जैसा कि हम अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर कोई भी ऑयल एंड गैस की कंस्ट्रक्शन साइट हो या फिर प्रोडक्शन लाइन हो, वहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, वहाँ पर इंगेज हो जाते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई अगर इमरजेंसी हो जाती है तो उन सभी वर्कर्स को अलर्ट करने के लिए कि वहाँ पर इमरजेंसी हुई है, तो उस इमरजेंसी से बाहर निकलने के लिए उन वर्कर लोगों ने अपनी जो लाइफ है वो सेव करना चाहिए और उन्होंने जो सेफ एरिया है वहाँ तक जाना चाहिए, जैसे कि असेंबली पॉइंट हो, तो उनको अलर्ट करने के लिए कि कोई इमरजेंसी हुई है उसके लिए यहाँ पर इमरजेंसी सायरन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सायरन जो है ये काफ़ी यूजफुल होते हैं ताकि जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इमीडिएटली वहाँ पर अलर्ट किया जा सके। सायरन के भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो रिलेटेड होते हैं कि कौन सी इमरजेंसी आई हुई है। अब चलिए जानते हैं कि इमरजेंसी सायरन कोड जो है वो एज पर फैक्ट्री एक्ट और OISD जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक वो कितना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एज पर फैक्ट्री एक्ट ये जो इमरजेंसी सायरन कोड होता है ये क्या होता है और कैसा होता है। तो इमरजेंसी सायरन कोड में एक अलग अलग इमरजेंसी आती है, जैसे कि साइट पर फायर लगी है यानी कि आग लगी है, तो वहाँ पर उन सभी वर्कर को अलर्ट करने के लिए हमें फायर अलार्म जो है वो रेज करना होता है। फिर उसके बाद दूसरी इमरजेंसी आती है, वो ये है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो और वहाँ पर अगर कोई टॉक्सिक गैस जो है वो अगर रिलीज हो जाती है तो हमें उस केस में सभी वर्कर को ये अलर्ट करना होता है कि वहाँ पर टॉक्सिक गैस जो है वो रिलीज हुई है, तो उसका भी हमें सायरन जो है उस इमरजेंसी में इस्तेमाल करना होता है। फिर उसके बाद है इमरजेंसी डिक्लेरेशन सायरन। तो इमरजेंसी हमें वहाँ पर अगर डिक्लेयर करना है तो उसका भी एक सायरन आता है। और फिर उसके बाद है कि जो भी इमरजेंसी हुई है उन सभी को ऑल क्लियर करना है तो उसके लिए भी एक सायरन आता है। तो इस तरीके से एज पर फैक्ट्री एक्ट ये जो चारों इमरजेंसी हमने यहाँ पर देखी है इसका सायरन कोड क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फायर अलार्म सायरन के बारे में। तो जहाँ पर भी आग लगी है तो वहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि 5 सेकंड के लिए हमें उस सायरन को जो है वो ऑन करना है और 5 सेकंड के लिए ये जो सायरन है इसको ऑफ करना है, और ऐसा हमें 5 टाइम्स तक करना है। अब जानते हैं टॉक्सिक रिलीज सायरन के बारे में, यानी कि जहाँ पर भी टॉक्सिक गैस रिलीज हुई है तो उस इमरजेंसी को अलर्ट करने के लिए हमें ये जो सायरन होता है उसको 5 सेकंड के लिए ऑन करना है और 5 सेकंड के लिए ऑफ करना है, और ऐसा हमें 3 टाइम्स करना है। अब जानते हैं इमरजेंसी डिक्लेरेशन सायरन के बारे में। तो यहाँ पर हमें 30 सेकंड के लिए उस सायरन को ऑन करना है और 5 सेकंड के लिए उस सायरन को हमें ऑफ करना है, और ऐसा हमें 2 टाइम्स करना है। चलिए अब जानते हैं ऑल क्लियर सायरन के बारे में। तो इस सायरन को हमें 30 सेकंड तक जो है वो कंटिन्यू ऑन करना है, और ऐसा हमें खाली 1 ही टाइम करना है। तो ये जो इमरजेंसी सायरन कोड हमने यहाँ पर देखे है ये एज पर फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक देखे है। चलिए अब जानते हैं कि एज पर ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट यानी कि जो OISD स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इमरजेंसी सायरन कोड क्या है। तो इस स्टैंडर्ड में अलग अलग जो इमरजेंसी सायरन कोड है उसके बारे में बताया गया है, जैसा कि फायर के बारे में बताया है, फिर उसके बाद है डिजास्टर के बारे में बताया है,
फिर उसके बाद ऑल क्लियर के बारे में बताया गया है, और फिर उसके बाद जो हम सायरन को टेस्ट करते हैं उस टेस्ट सायरन के बारे में भी बताया गया है। तो ऐसे यहाँ पर इमरजेंसी सायरन कोड के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं फायर के बारे में। तो इन केस अगर फायर हो जाती है तो वहाँ पर जो सायरन बजेगा वो जो रोने वाली जो आवाज़ होती है वो 2 मिनट तक ऐसा सायरन बजेगा, यानी कि 2 मिनट तक जो रोने वाली आवाज़ होती है ऐसा सायरन जो है वो आपको सुनाई देगा, यानी कि आपको समझ जाना है कि वहाँ पर फायर की इमरजेंसी हुई है। फिर उसके बाद जानते हैं डिजास्टर इमरजेंसी कोड के बारे में। तो यहाँ पर जो सायरन बजेगा वो भी रोने वाली जो आवाज़ है वो 2 मिनट तक आएगी, लेकिन इसको रिपीटेड करना है 3 टाइम्स तक, और वहाँ पर आपको 10 सेकंड का गैप देना है। तो ऐसा जो इमरजेंसी सायरन कोड आपको सुनाई देगा तो आपको समझ जाना है कि ये डिजास्टर का इमरजेंसी सायरन कोड है। चलिए अब जानते हैं ऑल क्लियर के बारे में। तो यहाँ पर जो सायरन बजेगा वो 2 मिनट तक बजेगा, लेकिन वो जो साउंड रहेगा सायरन का वो कंटिन्यू स्ट्रेट रन में रहेगा, यानी कि कंटिन्यू चालू कंडीशन में वो आपको सुनाई देगा। और फिर उसके बाद आता है टेस्ट सायरन के बारे में, यानी कि सायरन को टेस्ट करने का जो इमरजेंसी कोड है वो ऐसा रहेगा कि वहाँ पर भी 2 मिनट तक जो है वो आपको सायरन का जो आवाज़ है वो सीधा आपको सुनाई देगा, यानी कि आपको समझ जाना है कि यहाँ पर सायरन की जो है वो टेस्टिंग हो रही है। अब हमने यहाँ पर एज पर फैक्ट्री एक्ट और OSD जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इमरजेंसी सायरन कोड क्या है वो जाना है, लेकिन जब हम साइट पर काम करते हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स की इमरजेंसी होती है उसके मुताबिक वो जो है वो अलार्म जो है आप रेज कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं कि फैक्ट्री में जब भी आप काम करते हो तो वहाँ पर अलग टाइप के जो है वो सायरन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सायरन क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बजर के बारे में। आपने ये जो नाम है ये तो सुना ही होगा, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादातर अगर जब भी इमरजेंसी आती है तो बजर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद दूसरा सायरन है वो है हुटर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। तो हुटर का भी जो है वो ज़्यादातर फैक्ट्री में एज अ सायरन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड जो सायरन आता है वो है हैंड ऑपरेटेड सायरन, और ये जो सायरन है ये आपने ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखा ही होगा, क्योंकि इसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर सकते हो, और इसको आप इजीली अपने हाथों से ऑपरेट कर सकते हो ताकि वो जो अलार्म है जो सायरन है वो इजीली रेज हो सके। फिर उसके बाद का सायरन है वो है रिवॉल्विंग लाइट विद सायरन। तो यहाँ पर जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक सायरन है और उसके ऊपर जो है दो रिवॉल्विंग लाइट जो है वो लगे हुए हैं, जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही ये जो रिवॉल्विंग लाइट है ये घूमने लगता है, यानी कि आप अलर्ट हो जाते हो कि यहाँ पर जो है ये इमरजेंसी हुई है। फिर उसके बाद का सायरन आता है वो है इलेक्ट्रिक मोटर सायरन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो इस टाइप के भी सायरन को ज़्यादातर कंपनी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सायरन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सायरन है ये ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहाँ पर या फिर जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इमरजेंसी के वक्त जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको इमिडिएटली वहाँ पर अलर्ट किया जा सके। और फिर उसके बाद का सायरन है ऑटोमेटिक टाइमर बेस्ड फैक्ट्री सायरन, और इस सायरन का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो प्रोडक्शन लाइन में किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के सायरन्स होते हैं जो फैक्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सायरन के बारे में, जिसे हम अलार्म भी कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।